हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगेन सेम टाइप का ही है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, जहां पर आपको खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने बोला गया है। ओके, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका रिसिप्ट साइड और ये आपका पेमेंट। अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम लोग पहले एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। क्या क्या बोला एडजस्टमेंट में वो देख लेंगे। लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है? लेगेसीज कैपिटलाइज करना मतलब डायरेक्टली, जैसे कि वहाँ पे कहा था ना लास्ट सम में, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पे कैपिटलाइज करने बोला मतलब हम पूरा का पूरा कहाँ पे डालने वाले, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। राइट, तो इसे आप इनकम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर ये नहीं बोलते तो हम लेगेसीज को इनकम में लिखते हैं। ओके, फिर आपको बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 है तो सैलरी में प्लस करना है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, बराबर। फिर 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। सो एंट्रेंस फीस में से हम 50% अमाउंट क्या करने वाले, कैपिटलाइज करने वाले, दैट इज कैपिटल फंड में ऐड करने वाले। ओके, तो ये तीन आपके एडजस्टमेंट्स हैं। तो पोस्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जिसे कि मैंने आपको कहा कि उसे आप इग्नोर कर देंगे, उसे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉकर रेंट। ये आपके लिए इनकम रहेगा कि आपके मेंबर्स जो है वो आपका लॉकर रेंट पे कर रहे हैं। सो पहले तो हम लोग फॉर्मेट लिख देते हैं, इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केंद्र, राइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। ओके, और ये हमारे हेडिंग्स। अब इनकम से शुरू करते हैं। सबसे पहले बाय लॉकर रेंट अमाउंट 400 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। फिर आपको बोला एंट्रेंस फीस कितना, 2900, बट हमें पता है एंट्रेंस फीस में कुछ एडजस्टमेंट है, राइट, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा एंट्रेंस फीस को 2900। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हमारे लिए इनकम है, राइट। यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट था उसमें। फिर मैं लिख रहा हूँ ओल्ड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अमाउंट 250 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फिर आपको नेक्स्ट दिया है टू रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, राइट, कितना मिला आपको 9000, राइट, तो ये भी आपका इनकम में आ जाएगा, राइट, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फिर आपको बोला है लेगेसीज, बट हमके लेगेसीज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बोला था कि इसे कैपिटलाइज करना है, तो इसीलिए लेगेसीज को हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं, बट बैलेंस शीट यहाँ पर बनाने नहीं बोला है, इसीलिए हम वो इफेक्ट शो कर रहे नहीं है, ठीक है। फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब बॉन्ड्स डिबेंचर्स, वैसे उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, ये हमारे लिए इनकम है। सो हम लोग इनकम साइड में शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 400, ठीक है। इसके बाद है मिसेलेनियस रिसिप्ट, यानी कि छोटे मोटे रिसिप्ट्स, राइट, तो वो इनकम आ जाएगा हमारे लिए, अगेन आउटर कॉलम में, राइट। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग। अब आ जाते हैं हम लोग पेमेंट साइड में। सबसे पहले देखिए आपको दिया है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में, राइट, अमाउंट 600, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर आपको बोला है फर्नीचर परचेज, यानी कोई एसेट परचेज हुआ है। हमेशा आपको याद रखना है कि कोई एसेट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो बैलेंस शीट में एसेट में जाने वाला है, राइट। सो इसे तो आपको एक्सपेंडिचर में शो नहीं करना है, बैलेंस शीट में आएगा, बट बैलेंस शीट तो हमें बनाने बोला नहीं है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। फिर नेक्स्ट दिया आपको इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दैट मीन्स यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, 14000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो ये आपके लिए एसेट है, राइट, बट हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो अगेन इसको हम इग्नोर करेंगे। फिर बोला एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000 करके एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। फिर आपको बोला है पोस्टेज 450, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं उसमें तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फिर आपको बोला है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, राइट, 600, तो ये भी एक्सपेंस है, राइट, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर आपको बोला है बाय सैलरीज कितना, 4400, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट दिया था आपको आउटस्टैंडिंग, सो मैं इसे इनर कॉलम में लिखता हूँ टू सैलरीज करके 4400। ओके, उसके बाद आपको बोला है कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक, तो ये जो कैरिड डाउन वाला है वो मुझे करंट ईयर में शो करना है, बट वो बैलेंस शीट में आएगा और बैलेंस शीट तो इस समय पूछा नहीं है, तो यहाँ पर ही हम लोग इसे अगेन पोस्टिंग नहीं करने वाले। सो यहाँ पे हमारे पोस्टिंग कंप्लीट हो जाते हैं, राइट, कोई यहाँ पर एडजस्टमेंट भी नहीं है, सो डायरेक्टली नीचे वाले एडजस्टमेंट्स पर आ जाते हैं। पहला कहा था लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, तो हमने ऑलरेडी उसको देख लिया है, इसीलिए हमने लेगेसीज को इनकम में नहीं लिखा था, डायरेक्टली कैपिटल फंड में लिखने वाले थे, बट बैलेंस शीट नहीं है इसीलिए हम लोग शो नहीं कर रहे।
आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें शो करना पड़ेगा कितना बोला है 200, तो सैलरी में प्लस हो जाएगा राइट, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके कितना अमाउंट 200, और ये ऐड होके बाहर आ जाएगा राइट 4600। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, बट यहाँ पर सम में नहीं पूछा है इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो जैसे जब आपको बोला है कि इतना परसेंट कैपिटलाइज करना है, सिंपल है एडजस्टमेंट, आपको उसमें से उतना परसेंटेज माइनस कर देना है और उसे कैपिटल फंड में ऐड करना है, ओके। सो आप एंट्रेंस फीस में से 50% माइनस करेंगे, सो लेस 50% कैपिटलाइज करके राइट 2900 का 50% 1450 होगा, माइनस करके बचा हुआ 1450 बाहर आ जाएगा, और ये 1400 जो है जो आपने माइनस किया वो आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है बैलेंस शीट में, ओके। बट बैलेंस शीट नहीं बनाया तो इसीलिए हम लोग वो वाला इफेक्ट नहीं शो कर रहे। सो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गए, तो अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे। टोटल करते समय मैंने आपको कहा था कि सारे इनर कॉलम को आउटर कॉलम में लिया है कि नहीं चेक करना है। सो यहाँ पे हमारे सारे फिगर्स आउटर कॉलम में है, तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं दैट इज़ एडजस्टमेंट्स, सॉरी टोटलिंग। टोटलिंग करेंगे हम लोग डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के टोटल लेंगे, दोनों में जो ज़्यादा है वो आपको दोनों जगहों पर शो करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो टोटल है क्रेडिट साइड में ज़्यादा है दैट इज़ 11900, तो मैं दोनों जगह पर लिख देता हूँ। उसमें से मैं मेरा डेबिट का टोटल माइनस करता हूँ तो मुझे पता चलेगा 2650 बैलेंस आएगा, और उसे मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा आप नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, NPO चैप्टर है राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको राइट यहाँ पे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखकर दिखाना होता है। अमाउंट था 2650, ये आपका बैलेंसिंग अभी कराया, ओके। सो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो जाता है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ तक हमारे राइट जो पार्ट पार्ट वाले सम्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंप्लीट सम्स शुरू करेंगे राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें।